आरके सिंह, आरकेएस लाइव चैनल से। आज हम भोज ब्लॉक एसडीएम साहब से मिलने आए हैं और जो भी कोरोना काल की अपडेट है और जो तीसरी वेव को लेके जो भी सरकार के प्रावधान हैं उसके ऊपर हम एसडीएम साहब से बात करने जा रहे हैं। सर पहले तो बढ़ जाओ नेम एंड योर टाइटल प्लीज। मैं राकेश शर्मा, मैं यहाँ सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट भोरंज हूँ और पिछले एक वर्ष से कार्यरत हूँ। इससे पहले मैं रजिस्ट्रार एचपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में रहा हूँ, उससे पहले मैं एसडीएम ज्वालाजी और नादौन रहा हूँ। कोरोना महामारी के इस काल में हमारे सब डिविज़न भोरंज में काफ़ी लोगों को समस्याओं से जूझना पड़ा है। काफ़ी सारे परिवारों में काफ़ी खतरनाक स्थितियां पैदा हुई, काफ़ी एरियाज हमारे कोविड महामारी के संक्रमण में आए। इस महामारी के काल में सरकार की तरफ से पूरे प्रयत्न किए गए जिससे कि हमारे लोगों की स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर हो, कोरोना महामारी का जो संक्रमण है उसको कम किया जा सके। तो काफ़ी सारी व्यवस्थाएं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से रही, प्रशासन की तरफ से रही और इन सारी व्यवस्थाओं में कहीं भी कोई कमी नहीं आने दी गई है। सभी तरफ से प्रयत्न किया गया है कि जो हमारी आम जनता इससे जूझ रही है उसका सहयोग किया जाए। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से समय पर उचित दवाइयाँ, समय पर जो हमारे आशा वर्कर हैं, हेल्थ वर्कर हैं, हमारे डॉक्टर्स पीएचसीज में तैनात हैं, अन्य जगह तैनात हैं, उन्होंने विशेष प्रयत्न जो हैं वो घर घर जाकर किए हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन बनाए। कंटेनमेंट जोन्स में संक्रमण ना फैले इस बात का पूरा ध्यान रखा गया। बीच में हमारे लॉकडाउन खुले, बीच में कुछ उत्सव भी लोगों द्वारा किए गए, उनमें भी पूरी सावधानियां जो कोरोना काल में बरती जानी थी या सरकार की तरफ से मार्गदर्शन जिनका हमें मिला वो बरती गई, जिसके लिए हमने फ्लाइंग स्क्वाड बनाए, लोगों को जागरूक किया। और मैं धन्यवादी हूँ भोरंज की जनता का जिन्होंने पूरा सहयोग हमें इस संक्रमण, इस आपदा से निपटने में किया। हमारा विशेष प्रयत्न रहा कि ना तो हमारी आम जनता को कोई परेशानी हो, बेवजह कोई परेशानी ना हो और संक्रमण भी ना फैले। हमने बसेस में जब हमें आदेश मिले कि बसेस में 50% की ऑक्यूपेंसी से बसेस चलाई जानी है, हमने विशेष रूप से सभी बसेस की चेकिंग सुनिश्चित करने का प्रयास किया। मास्क लगाने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। इसके अतिरिक्त जो हमारे दुकानदार भाई थे, बिजनेसमैन थे या अन्य सरकारी हमारे कार्यालय थे, वहाँ नो मास्क नो सर्विस का एक स्लोगन हमने यहाँ से दिया, जिसमें जिसका लोगों के बीच में बड़ा ये जिस लोगों को बहुत फ़ायदा उसका मिला। लोगों में ये समझ आने लगी कि मास्क लगाना कितना ज़रूरी है और उचित दूरी बनाए रखना कितना ज़रूरी है। तो जितने भी आवश्यक दिशा निर्देश इस संक्रमण से बचने के लिए, इस संक्रमण को कम करने के लिए हमें सरकार से मिले, वो सभी उनकी सभी की पालना अक्षर से हमने यहाँ सुनिश्चित करवाई। इसमें पुलिस का सहयोग बड़ा रहा हमें, इसमें अन्य प्रशासनिक अधिकारी, अन्य विभागों के अधिकारी, अन्य अध्यापक वर्ग, अन्य जो भी हमारे यहाँ सरकारी तंत्र में जो भी लोग जुड़े थे उनका काफ़ी सारा सहयोग प्रशासन को इस संक्रमण, इस आपदा से निपटने में मिला है। अब हमारे पास एक मुख्य चैलेंज है जो तीसरी वेव आने का है। जो तीसरी वेव के बारे में हमारे लगभग पूरी तैयारियां हैं, सरकार की तरफ से हमें उचित दिशा निर्देश मिल रहे हैं और जैसे जैसे दिशा निर्देश आ रहे हैं उन पर उनको अमलीजामा पहनाया जा रहा है। हमने प्रयत्न किया है कि भोरंज में भी एक
कोविड का एक कोविड से निपटने के लिए एक अस्पताल में ही व्यवस्था बने, और इसके लिए जो हमारा नया अस्पताल बन रहा है उसकी जो धरातल की मंजिल है उसमें हम ये प्रयत्न कर रहे हैं कि उसमें ऑक्सीजन प्लांट भी लगाया जाए और विशेष ये व्यवस्था भी की जाए। इसके इसके लिए हमारे जो खंड चिकित्सा अधिकारी हैं वो भी विशेष प्रयत्नशील हैं। हमारे उपायुक्त महोदय ने भी दो तीन बार यहाँ अस्पताल का स्वयं निरीक्षण किया है, उनके मार्गदर्शन में हमें जो भी उनका मार्गदर्शन हमें मिल रहा है उसी में हम आगे बढ़ रहे हैं, और उसी मार्गदर्शन में हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा जो इस संक्रमण से निपटने का जो ये एक हमारी कोशिश है वो फलीभूत रहेगी और ये मार्गदर्शन भी हमें मिलता रहेगा। धन्यवाद। को सरकार की तरफ से क्या संदेश है? मेरे विचार में जो हमारे व्यापारी भाई हैं उन्होंने हमें बहुत सहयोग दिया हुआ है कोरोना काल में, उन्होंने बहुत कोरोना काल में सहा भी बहुत है। मैं अब उनसे निवेदन करूंगा कि जैसे ही उनके शॉप्स में या उनके एस्टेब्लिशमेंट्स में लोग आए तो वो प्रॉपर मास्क लगाए हुए हों, और अगर रश हो जाए तो उचित दूरी आपस में बनाए रखें, साथ में वो सैनिटाइजर का प्रयोग करवाएं। तो इस तरह से वो काफ़ी सहयोग जो है वो संक्रमण काल में दे सकते हैं, और संक्रमण से स्वयं भी बच सकते हैं और संक्रमण से दूसरों को भी बचा सकते हैं। तो अब तो लॉकडाउन के बाद काफ़ी अच्छा व्यापारिक गतिविधियां चल पड़ी हैं, पूर्ण रूप से चल पड़ी हैं, किसी तरह की कोई बंदिश भी नहीं है, परंतु ये ज़रूर है और आवश्यक भी है कि उचित दूरी का पालन किया जाए और मास्क लगाए जाएं। तो इसके लिए जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको जरूर वो फॉलो करें।